يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع اخر وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما معزز محترم सामीन कराम नशीन इस्लामी ख़वान हर तरह की तारीफ तोसीफ़ बड़ाई किबरियाई वहद्ला शरी कलह रब्बुल आलमीन के लिए है अल्लाह ताला तख्तसर तारीफ़ सना, बड़ाई किब्रियाई के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल व्याल अजवाज मताहरा तमाम असब अजमाइन और मुतबैन पर सलामती फरमाइन। हज़रात ग्रामी आपके सामने मैंने सूरह जिन की 18 नंबर आयत पढ़ा है इसके ताल्लुक़ से आपके सामने इन शाह अल्लाह की मदद से अल्लाह के तोफ़ी से कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे उनवान बयाँ या जो बातें आपके सामने रखेंगे वह है अहकाममसाजिद मस्जिद क्या है इसका हकाम क्या है हम यहाँ पर जमा हैं आज जुमा का दिन है अलजुमा तोमिन कि जुमा ममिनीन के लिए ईद का दिन है खुशी का दिन है लोग नहाते धोते गुस्ल करते अच्छे कपड़े पहनते मस्जिद में आ जाते हैं नमाज़ पढ़ते फिर उसके बाद चले जाते लेकिन ये मस्जिद है क्या मस्जिद क्या चीज़ है मस्जिद के बारे में हमारा क्या ख्याल होना चाहिए मस्जिद तकद्दस क्या है मस्जिद के हुरमत क्या है इस सिलसिले में प्यार नबी मोहम्मद वसल्लम बयान फरमाते हैं इस हदीस के रावी हज़रत अब रज़ी अल्लाह तुम है और इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान फरमाया कहा روى أبو هريرة رضي الله تعالى عن حديث ربى إمام مسلم رحمة الله عن حديث أبو هريرة رضي الله تعالى سمت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایا روی الزمين میں پوري الدنيا میں جهاز پر, پر إنسان कदम रख सकता है जिस जगह पे कदम रखा जा सकता है जिस जगह पे हम बूदोबाश कर सकते हैं जिस जगह पे हमारा रहन सहन हो सकता है रूए ज़मीन में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह ताला को है अल्लाह का घर यानी मस्जिद है पूरी दुनिया में आपका भी मकान है हमारा भी घर है हम भी रहते हैं आप भी रहते हैं लेकिन जिस जगह पे अल्लाह ताला की इबादत के लिए लोग जमा हो जाते हैं और उसको मस्जिद की शक्ल दे देता है और मस्जिद नाम दे देता है वो रुई ज़मीन में सबसे बेहतरीन जगह सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह ताला के नज़दीक हो जाती है मस्जिद की जगह हम बेच नहीं सकते ये जगह जो मस्जिद बन गया आप बेच नहीं सकते चाहे इसका मालिक कोई भी हो यह अल्लाह के लुफ्फ हो गया है अल्लाह के वास्ते वक्फ़ हो गया इसको हम बेच नहीं सकते कयामत तक बेच नहीं सकते इस चीज़ को नमाज पढ़ी जाएगी यहाँ पर नमाज होगी तो ये मस्जिद है तो मस्जिद की तकद्दस मस्जिद की हुरमत क्या है इसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी है जिस जगह पर हम बैठे हैं और इस मस्जिद के बारे में क्या कहा ने कि मस्जिद एक ऐसी चीज़ है एक ऐसी जगह यहाँ पर दुनिया की कोई बातें नहीं कर सकता कोई बातें नहीं कर सकते जैसा कि मैंने शुरू में पढ़ा था अल्लाह अल्ला का घर अल्लाह की मस्जिद वो जगह है जिस जगह में सिर्फ किसी की बात नहीं हो सकती ना आपकी ना मेरी किसी की नहीं हो सकती बात सिर्फ अल्लाह की होगी यहाँ पर बातें जो भी बातें होगी अल्लाह की तारीफ अल्लाह के रसूल की, की बातें हो सकती यहां पर इस्लाम की बातें हो सकती दीन की बातें हो सकती लेकिन इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते मस्जिद में सुबह अल्लाह ने इस जगह की इज्जत कितनी दिया इस जगह की इज्जत को कैसे करार दिया पाक साक आदमी मस्जिद में आ सकते नापाक नहीं कौन सा आदमी आएगा यहाँ पर पाक साफ आदमी हर तरह से पाक साफ है चाहे वो हद से अकबर हो चाहे हद से असगर लेकिन असगर तो नहीं अकबर तो ज़रूरी है यानी आप नापाक हालात में मस्जिद नहीं आ सकते आप कहीं भी जा सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, बाजार में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में आना है तो आपका पाक साफ होना जरूरी है उसके बगैर आप नहीं आ सकते मस्जिद में और इस मस्जिद के तालुक़ तालुक़ल ने क्या फरमाया शुरो में अकबर कितनी बड़ी अल्लाह ने ऐलान कर दिया क्या कि बेशक मस्जिदें बनाते वो लोग मस्जिद तामीर करते वो लोग मस्जिद में ताउन करते वो लोग मस्जिद की जिम्मेदारी उठाते वो लोग मस्जिद की देखभाली करते वो लोग मस्जिद में ताल्लुक रखते वो लोग मन आमन अब जो लोग अल्लाह पर ही ईमान रखते हैं वो आखिर आखिरत में ईमान रखते हैं गोया है कि आपका ईमान अल्लाह पर होना जरूरी है अगर आप मस्जिद की देखभाली करते हैं ताल्लुक रखते हैं मस्जिद में कुछ देते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहले लाजिम क्या है कि ईमान लाए मन आमन मन बिल्ला मन। ने कहा कि जो शख्स ईमान ला लेता है ईमान ला लिया, ला लिया। का है जो लोग ईमान ला लिया पहले ईमान होना जरूरी बाद में मस्जिद में आप आ जाइए मस्जिद की देखभाल कीजिए मस्जिद बनाइए मस्जिद में सब कुछ कीजिए आप वाली उमिला आखिरत भी ईमान होना जरूरी है क्योंकि अल्लाह पर ईमान हर कोई रखता है एक हिंदू को भी पूछो तो कहे हाँ ऊपर वाला है क्या कहेगा वो ऊपर वाला है या भगवान कहेगा कोई भी अपने तरीके से बोलेगा लेकिन आखिरत पे ईमान सिर्फ मोमिन के शौक को नहीं रखता आखिरत अल्लाह ने ये लाजिम करार दिया अल्लाह के साथ साथ आखिरत पे ईमान होना जरूरी है क्यों आखिरत पे वो ईमान नहीं रखते वो लोग क्या कर सकते हैं क्या कहते हैं कि है? हम दोबारा फिर पैदा होंगे आखिरत अब नहीं है हमारा वो कट हो जाता उनका सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते हो अल्लाह को मानते हो, लेकिन आखिरत को नहीं मानते इसलिए अल्लाह ने क्या कह दिया अल्लाह के साथ साथ यो आखिरत भी ईमान रखता हो वो आदमी मस्जिद बना सकता है अब आप जो भी दस बीस देते हैं मस्जिद के आखिर में जब जाते हैं जाने लगते हैं अब दस बीस जो भी है आपका देते हैं या कभी दे भी नहीं सकते हैं आपकी मर्जी है उसमें कोई बात नहीं लेकिन आप जो देते हैं आपका ईमान होता है कि कयामत के दिन इसका अजर मुझे मिलेगा यही ना कयामत के दिन हमको अजर इसका मिलेगा इसलिए आप देते हैं यहाँ पर इसीलिए आप खैरत करते दस बीस जो भी देते हैं आप या रमजान में या कभी भी देते दे मस्जिद बनती है आप दे दिए दस हजार बीस हजार कुछ भी आप दे दिए आपको ये होता है ईमान कि आखिरत के दिन हमको इसका सिला मिलेगा जिसकी वजह से आप देते हैं आइए सबसे पहले वो हदीस हम आपको सुनाएंगे मुतफन अल जिस हदीस को इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने बयान किया है और हदीसों के दर्जों में बहुत ही ऊँचे जर्द की हदीस है और इस हदीस का रबायन हज़रत ऊस्मान गनी रदी अल्लाह जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की ज़मानत दिया था जो अशर मुबशरात में शामिल है जिसको जीती जीत जन्नत की खुशखबरी दिया था प्यार नबी महम्मद रसोल सल्ला वम उस्मान गनी रदी अल्लाह तुम कहते मन बना ला मस्जिद लहू मित

अल्लाह आपके लिए भी जन्नत में से घर जितनी बड़ी जितनी चौड़ी जैसे आलिशान आपने बना दो से घर आपके लिए बना मिसू अल्लाह ने कहा अल्लाह के ने भी नहीं कहा हुआ हुआ आपके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देगा आपके लिए आपके लिए उधर बा के नहीं दुनिया में जो खर्च के आपने वहां पर पा लिया हो गया खत्म तो मतलब क्या हो मस्जिद का आप ऐसे ही नहीं खर्च करोगे खर्च करने का सिला मिलेगा जी क्या मिलेगा सिला मिलेगा आज तो अफसोस करोड़पति बहुत है भाई मोहल्ले में बहुत है मालदार आदमी कई बिल्डिंगे हैं कई कार हैं उनके पास कई बहुत सारी जायदाद हैं लेकिन आज वो देखने के लिए नहीं आता है जो तकरीबन आज से पचास साल साल पहले मैं क्या कर रहा हूँ पचास साल साल पहले पचास साठ साल सत्तर अस्सी साल पहले जब कोई मालदार आदमी का इंतकाल होता था तो बेचार वसीयत करते थे फला मस्जिद में मेरे तरफ़ से एक संड जगह या ये के इतने दे देना भाई मेरे तरफ से इसलिए देखो जो कदीम मस्जिदें हैं कदीम पुरानी सौ दो सौ साल पुरानी वो मस्जिद की जायदाद जरूर है अब देखो सर्वे कर लो पूरे इंडिया में मस्जिद के जगह जायदाद जरूर है क्यों वही लोग जो लोग मालदार हुआ करते थे जो खवातीन मेरे माए बहने उस जमाने में मालदार रहती थी मरने से पहले अपने बच्चों को वसीयत करती थी कि कुछ जगह मेरी जो वहाँ पर है वो मस्जिद को दे देना है अफसोस आज मालदार बहुत है लेकिन दिलचस्पी कम हो गई है आप अपने दिलचस्पी ले रहे हैं। हम अच्छा खाएं पिए आयश कर अपने बच्चों को आलीशान घर में रखें बच्चों को अच्छा पढ़ाएं बच्चों को सब कुछ करें कर रहे हैं कीजिए आप शौक़ से कि हमको क्या लेना है हमको आपसे दुश्मनी नहीं है हम आपको कुछ कह नहीं रहे लेकिन इतना ज़रूर है मरने के बाद काम क्या आएगा यही जो आप मस्जिद को कुछ दे लेते हैं कुछ खैरत कर देते हैं मस्जिद के नाम पे यही सारी चीज़ें हमारी कर कल के दिन काम आ सकती है और एक चीज़ आपको बताएँगे मस्जिद की तकदस क्या है मैंने आयत जो पढ़ा था फ़लात उमा हद अल्लाह के, के साथ किसी को ना पुकारो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो मस्जिद में तो अल्लाह के रसूल सल्मा फरमाते हैं कि हजरत अनसरदी अल्लाह सदीस कराबी है क्या ना ये क़रा हो आयो बना मस्जिद कि कोई मस्जिद जब बनती है पहले उस जगह को देखा जाएगा ऐसा तो नहीं कि वो जगह कब्रस्तान है या कबरों के बीच में जगह है बल्कि ऐसी जगह पे मस्जिद बनाई जाए जिस जगह पे कब्र ना हो ताकि कल के दिन कोई नमाज पढ़ी या मस्जिद में नमाज़ हो जमात हो तो कोई ना कि कि ये ना समझे कि खबरों की अलग बुझा कर रहे हैं ताकि किसी को फीलिंग ना हो एहसास ना हो तसवुर तक ना आए दिल में कि ये लोग कबर के पुजारी हैं, ये लोग कबर को मानते हैं ये लोग कब्रस्तान में नमाज़ पढ़ते हैं इस अल्लाह कर उसने इसको सिरे से मना ही कर दिया कि कब्रस्तान के पीछे मस्जिद नहीं मन सकती नहीं मन सकती मस्जिद कबर के पास तो मस्जिद की इतनी तकद्दस है इतनी ज़्यादा इज्जत है मस्जिद की और एक बात हम आपको बताते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह जाते हैं जीारत के लिए कोई वैसे तो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर हम आपको सिर्फ बताते हैं भाई कि कोई किसी दरगाह के पास जाते हैं कोई कहीं पर चले जाते हैं लेकिन हदीस हम आपको सुनाएंगे पहले हदीस आप सुन लीजिए उसका फ़ैसला आप करेंगे मैं नहीं करूँगा फैसला आप करेंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ तीन मस्जिदें ऐसी हैं जिसकी तरफ आप ख्वाहिश जा सकते हैं अब जा सकते हैं रूए जमीन में पूरी दुनिया में सिर्फ तीन मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर आप जा सकते हैं शौक़ से जाइए जाने में कोई हरज नहीं है सवाब है आपको वो मस्जिद में नमाज पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा वो तीन मस्जिदें क्या हैं आइए हम आपको बता दें इला, इला तशद्दरिहाल मसाजिद अल हराम सबसे पहली मस्जिद खाने काबा जैसा हम के ले जाते हैं उमरा के ले जाते हैं खाने काबा तवाफ़ करते हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर तो अल हराम पहली मस्जिद आप जा सकते हैं ज्यारत कर सकते मस्जिद की दूसरी मस्जिद ये है वह मस्जिद ररसूल मस्जिद नबबी अल्लाह के रसूल सल मस्जिद जिसको अल्लाह के खुद अपने हाथों से बुनियाद रखा था जिस मस्जिद की बुनियाद अल्लाह के रसूल अपने हाथों से रखा था जिस बुनियाद को अल्लाह के रसूल अपने हाथों से डाला था वो मस्जिद आप जा सकते हैं आप ख़्वाहिश ज्यारत कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तीसरी है वह मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा बैतुलमुद्दस या बैतुलमकद्दस मस्जिद अक्सा जो आज परेशानी आप देख ही रहे मैं क्या बोलूँ आपको सब लोगों को मालूम है क्या चल रहा है वहाँ पर मस्जिद अक्सा यह सही बुखारी गिरवाद है इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवाज किया है और ये सदी कराबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला तु है तो ये तीन मस्जिदें हैं हजरत अबू जरफ़ा रजी अल्लाह तआला तु सवाल पूछते अल्लाह के रसूल को क्या ये बताइए रुए जमीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी मस्जिद है तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खान काबा सबसे पहली मस्जिद है पूरी दुनिया में कहा कि दूसरी मस्जिद कौन सी है कहा कि मस्जिद अक्सा मस्जिद अक्सा अक्सय दूसरी मस्जिद है अबू जर फारी पूछते किल्ला से ये बताइए ये दोनों मस्जिदों के दरमियान कितने साल का फासिला है कितने साल के बाद बनी वो मस्जिद मस्जिद अक्सा अल्लाह के फर्क चालीस साल का फ़र्क है चालीस साल पहले खान कबा बनी है और चालीस साल के बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई है चालीस साल का फ़र्क है तो मस्जिद अक्सा उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताली दुश्मन पाक को साफ कर दे तो कहने का मतलब यह है कि मस्जिद क्या है इस मस्जिद को हम आज क्या समझ रहे मस्जिद बस हम इसीलिए कि बस आए नमाज पढ़े चले गए नहीं मस्जिद इंसान के लिए एक तोबा गाह है। बैठे बड़ा तौबा कर सकते अल्लाह से आप ज़िक्र कर सकते अल्लाह ताला से कुरान की तिलावत कर सकते हैं। साहब कराम मस्जिद को क्या बना लिए थे साहब कराम मस्जिद को मरकज़ बना लिए थे हर चीज़ के मरकज़ थी अइए हम आपको याद दिलाएंगे वो मस्जिद जिस मस्जिद को अल्लाह के रसूल सल्लाम अपने हाथों से बनाया था अर रहीकुलमखतूम किताब का नाम क्या बोला मैं और रहीकुलमखतूम मौलाना रहमान साहब ने इस किताब को लिखा है जो पूरी दुनिया में नंबर वन किताब है सीरत के अतबार से अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ये किताब नंबर वन है पूरी दुनिया में इसको सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा अव्वल दर्जा दिया तो उस किताब में क्या लिखा है अल्लाह के रसूल वसल्लम बारा रबी अव्वल एक हिजरी मुताबिक सत्ताईस सितंबर छः सौ बाईस ईस्वी को कबीले बनजार के पास अल्लाह के रसूल पहुँचे थे मैंने डेट के साथ आपको बताया पूरी तारीख़ में आप किताब खोलिए मैं यहीं ठहरा रहूँगा आप किताब खोलिए देखिए क्या लिखा है रबी वो भी जुमा का दिन पहली जुमा वहाँ पर हुई है पहली जुमा वहाँ पर हुई है और आज वह जगह पे मस्जिद बनी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे और उसके बाद हज़रत अबू अयूब अनसर रजी अल्लाह तुके के मकान में मुंतकिल हो गए चूँकि ऊँट वहीं पर बैठी थी अल्लाह के रसूल मुंतकिल होने के बाद उसको मस्जिद के लिए जगह खरीद लिया दो यतीम बच्चों की जगह थी वह दो यतीम बच्चों की जगह थी उन दो यतीम बच्चों ने कहा लसोल हम लोग वक्फ़ करते हैं अल्लाह के राह में आप ले लीजिए कहा कि नहीं हम कीमत लेंगे सिर्फ सिर्फ़ क़ीमत हमको चाहिए मस्जिद के लिए जगह आपकी वक्फ़ की, की ज़रूरत नहीं आप लीजिए पैसा अल्लाह के रसूल उनको पूरी कीमत अदा करने के बाद तो उस जगह को आप ले लिए ख़रीद लिए और वहाँ पर मस्जिद नबी की तामीर यानी काम शुरू हो गया अल्लाह के रसूल दुआ करते हैं क्या दुआ करते हैं अल्लाह मल्ला एश् एश आखरा फ़कफ्र अल्लाह ताला ज़िंदगी तो आखरत की ज़िंदगी आखरत के सिवा कुछ ए और अलमहार जो तेरे घर के लिए आप जो काम में लगे हुए हैं इनको माफ़ फरमा दे नबी की दुआ है ये अल्लाह के रसूल ने उन लोगों के लिए दुआ किया जो लोग मस्जिद की तमीर में मस्जिद की खिदमत में मस्जिद को बनाने में मस्जिद के काम में लगे हुए थे तमाम लोगों के अल्लाह रो दुआ कर दिया अल्लाह के रसूल सा काम खुद भी कर रहे थे और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम साहबा के लिए दुआ भी कर रहे थे उस जगह खरीदने के बाद देखा वहाँ पर गरकत के पेड़ पौधे हैं तो आपने काट दिया उसको और किबले की तरफ उसको लगा दिया किबले की दीवार और की दीवार के दरमियान फ़ासला लगभग सौ हाथ का था लगभग ज़मीन चौकर थी चारों तरफ से थी अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम उसकी कच्ची ईंटों की दीवार बना दिए ज़मीन में छोटी छोटी कंकरिया और रेत बिछा दिए और ऊपर खजूर के पत्ते और कुछ टहनियाँ डाल दिए बस मस्जिद तैयार हो गई मस्जिद तैयार हो गई आज हमारी मस्जिद कितनी पक्की है वो मस्जिद जिस मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने सजदा किया वो मस्जिद कैसी थी कच्ची मस्जिद थी हज़रत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ने मस्जिद में नमाज़ पढ़े सजदा किए तो आपके पेशानी में कीचड़ लग गया बारिश पड़ी थी रात को तो आपके पेशानी में लग गया कुछ तो झाड़ने लगे अल्लाह से कहा कि जैद मत झाड़ो ये मस्जिद की मिट्टी है बहुत बरकत वाली मिट्टी है बड़ी बरकत वाली मिट्टी है मस्जिद की इसलिए मत झाड़ो अल्लाह के रसुल मना कर दिया जैद बिन साबित रजी अल्लाह तुको वो मस्जिद में अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते रहे साहबा नमाज़ पढ़ते रहे और सबसे बड़ी कमाल की चीज़ क्या हो गई हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तुमने ख्वाब देख लिया अजा वाला अजा उससे पहले अजा नहीं थी उन्होंने जो हम अज़ा दे रहे हैं या मस्जिद में हमारी पाँच वक्त की जो अज़ाम हो रही है ये ख़्वाब उन्होंने देख अल्लाह सुनाया क्या कि यह सही है उसके बाद अल्लाह के रसूल पाँच वक्त हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तुम बुला कर मोजिन लगा दिया मस्जिद में हर दिन मदीना के गलियों में गूंजते रहे आवाज पांच दिन हैया है फला के इस तरीके से मस्जिद नबवी की शुरुआत हो गई और मस्जिद में अज़ा होने लगी मस्जिद में हर फैसले होने लगे हर मस्जिद में हर तरह का काम चलता रहा यहाँ तक कि मस्जिद वो मस्जिद नहीं थी एक पार्लियामेंट थी जब भी कोई बड़ा काम होता था अल्लाह के रसूल मस्जिद में बैठते थे साहबा को बिठा लेते थे और अल्लाह के रसूल सारी चीज़ें करते यहाँ तक के कहीं जंग के लिए भेजना हो चाहे किसी का फ़ैसला करना हो चाहे किसी की तालीम का सिलसिला हो यहाँ तक के मस्जिद के पास एक जमात जमा हो गई जिन लोगों का दुनिया में कुछ नहीं था सिवाय मस्जिद की बुनियाद या मस्जिद की जगह या जिसको मस्जिद का कट्टा कह सकते हैं वो लोग कौन है सुफ़ा कौन है असाब़ा सुफा। असाबा सुफा बन गए वो लोग यानी मस्जिद में चौबीस घंटा रहने वाले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले अल्लाह के रसूल सली इन के इतना ज़्यादा ख्याल करते इतना ज़्यादा ख्याल करते थे जब भी कोई माल आता था कहीं से अल्लाह के रसूल अपनी ज़रूरत से लेते और बाकी तमाम माल को असबा के लिए छोड़ देते थे असाबा में कौन थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला भी शामिल हैं लेने लोक की हाल क्या थी मालूम आपको एक अरबी किताब है नाम मैं भूल रहा मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त किताब का उसमें अबू हर के बारे में लिखा है कि जैसे हम दरवाज़ा देख रहे हैं मस्जिद का ये दरवाज़ा और हजरत आयश रज़ी अल्लाह तरह का दरवाज़ा मस्जिद के बिल्कुल आमने सामने थे और बीच में रास्ता था उस तरफ मकान इस तरफ मस्जिद बीच में रास्ता अबू अल्लाह हरजल्लाह के बारे में हज़रत आयशर रजिए तहती हैं कि हम देखते थे कभी कभी अबोह रजी अल्लाह गशी खा के गिर जाते थे रास्ते में मस्जिद के सामने लोग आते थे और उनको रोंद कर चले जाते थे बाज लोग लेकिन गिरने की वजह क्या थी क्यों गिर जाते थे वो भूख के मारे भूख के मारे गशी खा के गिर जाते थे अबू रजी अल्लाह वो भी मस्जिद के सामने कहीं और जगह नहीं चौबीस घंटा मस्जिद में रहने वाले असबा हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ला मस्जिद के सामने गश् खा के घिर जाते थे भूख के मारे और बाज़ दफ़ा लोग उनको रोंद कर चले जाते थे हजरत आयशा कहते हैं मैंने आँखों से देखा कई बार कि अबू हुरैरा को रौंत कर चले गए लोग उनके गर्दन में पैर रखकर चले गए लोग वो असावे सुफा जो मस्जिद में हमेशा लगे रहते थे मस्जिद में तालीम हासिल करते थे अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरा एक साथी था अंसारी जब मैं कहीं ज़रूरत से जाता था कभी ज़रूरत के लिए बाहर निकलता था तो मेरे अंसारी साहबी को ने, मेरे दोस्त को बिठा देता था, था कि अल्लाह से क्या कहते वो सुनो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते सुनो आज मैं जैसे आऊँगा मुझे हु बहू वैसे ही बताना जैसे ही बताया जैसा कहा वैसे ही मेरे को बताना कहा कि ठीक है हजरत अबू रजल बाहर जाते थे और झटपट काम निपटा के आ जाते थे और पूछते अच्छा बताओ क्या हुआ मस्जिद में बताओ नबी ने क्या कहा बता किस साहब ने क्या काम किया तो पूरा मीनवान बता देते थे ऐसी लगाव थी मस्जिद से किसको अबू हुरैरा रजी अल्लाह तला का और सबसे फ़ख्र की बात सबसे काबिल तारीफ़ की बात क्या है आज सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तु सबसे बड़ी काबिल तारीफ़ की बात क्या है उस वक्त अबू हुरैरा को पता ही नहीं था अबू हुरैरा को आज भी मालू नहीं वो तो अल्लाह के प्यारे हो गए आज हम ये चीज़ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले साहबी कौन है अबू हरे रजी अल्लाह तुम तो मस्जिद अल्लाह का घर है इस घर से आप जितना भी दिल लगाएं इस घर में जितना भी आप पैसा लगा दें इस घर से आप जितना भी मोहब्बत कर ले कम है क्योंकि अल्लाह के रसूल से कह दे अहब्बुल अल्लाह के रसूल से क्या कह दिया अहब्बल बिलाद पूरे ज़मीन में सबसे ज़्यादा पसंदीदा ज़मीन अल्लाह ताला को मसाजिद हाँ अल्लाह ताला को हा, अल्ला की मस्जिद अल्लाह के घर अल्लाह को महबूब है तो इस महबूब घर के लिए हम क्या कर सकते इस महबूब घर के लिए हम क्या कर सकते बस हमें ही करते हैं आए नमाज़ पढ़े झटपट निकल कर चले गए लेकिन याद रखिए बात अबू सफिया रजी अल्लाह तला वह अबू सुफियान जो अल्लाह के रसूल के मुकाबले हर जगह तलवार लेकर ठहरे थे लेकिन अल्लाह ने जब उनको हिदायत दिया जब वो इस्लाम कबूल कर लिया फ़तेह मक्के के मौके पर अबू सुफिया रज़ी अल्लाह त मस्जिद आते थे सबसे पहले और सबसे आखिर में मस्जिद से निकल कर जाते थे एक दिन अल्लाह के रसूल से कहा आयशा इनको जानते हुए कौन है कहा कि मैं इनको पहचानता नहीं हूँ ये मेरा भाई है अबू सुफियान जो मस्जिद में सबसे पहले आते हैं चलकर और सबसे आखिर में जाते हैं रास्ते में जाते कोई ताक झाक नहीं करती है मेरा भाई अबू सुफियान है अल्लाह के रसूल ने कहा था किसके बारे में जो सबसे पहले आए और मस्जिद सबसे आखिर में जाए उनके लिए प्यारे ने कहा ये मेरा भाई है देखो आयशा फ़खर से कहा था अल्लाह के रसूल अपने बीबी आयशा के सामने कि देखो मेरा भाई है वो इंसान है जो मस्जिद में पहले आता है और बाख़िर में जाता है लेकिन आजकल तो भाई हमको बहुत काम रहता है काम किसको नहीं है झट पढ़ नमाज़ पढ़े अगर दो चार मिनट देर होगा बयान ज़्यादा तो बाद में पूछ सके क्या मौलाना ज़रा ख़्याल भी करना चाहिए हमारा क्यों नहीं भाई हम आपका ख्याल करेंगे क्या भाई हमको क्या आपसे आप, आप दुश्मनी हमको भाई क्या हम आपका ख्याल नहीं करेंगे ज़रूर करेंगे लेकिन कभी कभी अगर हो गया तो बाद में तो बोलते हैं भाई तो कहने का मतलब ये कि बात वो नहीं मजाक वाली बात नहीं बात अल्लाह रसूल की हो रही है बात अल्लाह और उसके रसूल की हो रही है आप मस्जिद से मोहब्बत करें मस्जिद से दिल लगाएं और वो हदीस अब मैं बात ख़त्म करूंगा आपके सामने लेकिन वो हदीस ज़रूर आपको मैं कहूंगा याद दिलाऊँगा कल्ला क़यामत के दिन सात आदमी को ने सात नहीं सात किस्म के चाहे उसमें हज़ारों करोड़ों क्यों ना हो सबको बुला लेगा अल्लाह ऐसे आदमी सात आदमी की एक कैटेगरी बताई गई है सिर्फ सात आदमी नहीं यह हदीस का मतलब आप गलत ना समझें सिर्फ सात आदमी बुलाकर जगह बाकी छोड़ा नहीं सात किस्म के आदमी ये अमल जिन लोगों के अंदर मौजूद है सात अमल बताए अल्लाह के रसूल वसल्लम ये अमल जिस जिस के अंदर मौजूद उस उसको बुलाकर अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे शायद उसमें से एक आदमी क्या कल्बुन मुअल्लकुन मकुन जिसका दिल मस्जिद में लटका नहीं जिसका ध्यान जिसका ख्याल जिसका तस्वर जिसके दिलो दिमाग में मस्जिद बस्ता हो कि अज़ा कब होती हम जाएँ सिर्फ अजा का इंतज़ार है पहले आने की कोशिश करें मस्जिद में वो आदमी को भी बुलाकर अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह देगा चाहे उसमें हज़ारों करोड़ों भी आदमी की ना हो जाए जैसे आप में से बहुत सारे लोग जैसे मैं भी आया आप भी आए बहुत सारे लोग आए थे पहले अजान से पहले तो आप लोगों को जगह मिल सकती है अल्लाह ताला मुसलमानों को हमेशा मस्जिद से मोहब्बत करने की तोफ़ी अता फ़रमा अल्लाह आजा से कबल अजा से पहले हमें मस्जिद में आने की तोफ़ी अता फ़रमा अल्लाह खास करके हमारे नौजवान नसल की हिफाजत फरमा अल्लाह खास करके हमारे नौजवान नसल की हिफाजत फरमा अल्लाह अगर हमें से कोई परेशान उनकी परेशानी का दूर फरमा अल्लाह हमें से अगर कोई परेशान उनकी परेशानी का दूर फरमा अल्लाह जो मकरूज़ है कर्जा उनकी कर्जा को मौला आसानी से फेंट दे मौला अल्लाह हमें सूदी कर्जा से बचा ले मौला अल्लाह हमें सूदी कर्जा से बचा ले मौला अल्लाह हमें पांच वक्त नमाज पढ़ने तौफीक तो अता फरमा अल्लाह पंचगानी नमाजी बना दे मौला अल्लाह खातिन इस्लाम बहुत सारे आए होंगे मौला अल्लाह किसकी क्या तकलीफ परेशानी मुझे नहीं है मौला, मौला जिसकी जो तकलीफ उसको दूर फरमा अल्लाह जिसके घर में जो तकलीफ उसको दूर फरमा अल्लाह हर, हर एक के घर में अमन अता फरमा अल्लाह हर एक के घर में अमन अता अतः अल्लाह हर खानदान में सुकून अता फरमा अल्लाह हर एक की जिंदगी में खुशियां अता फ़रमा अल्लाह तला पूरे दुनिया के मुसलमान मुसलमानों पर अमन फरमा अल्लाह रूए ज़मीन के तमाम मुसलमान को सुकून अता फरमा आमीन तकबल या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू